हलाहल पी के नफरत का दिया है प्यार ये सुने छुड़ाने पाते सबको लिया अवतार करता हूं।
कभी फिर पाप ना करना। पढ़ा था आपने यूहन्ना 8 पढ़ा कि नहीं पढ़ा जी? तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार तो शुरू हो गया था बागे अदन से। आपने कहा है, आइए उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पढ़िए दूसरा अध्याय की 24वीं आयत। जी जा माइक ऑन कीजिएगा जी। हाँ एक मिनट फिर से माइक ऑन कीजिएगा जी। इस कारण सर आप ऑफ कर दिए थोड़ा सा, आप पढ़िए। इस कारण हाँ? पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर हाँ? अपनी पत्नी से मिला रहेगा। नंबर एक सुनिएगा, नंबर एक कि लेडी को नहीं छोड़ना अपना घर, लेडी मायके में ही रहेगी, पुरुष आए तुम यहां रहो, यहां पर लेडी को विदा कर देते हैं। पुरुष अपने माता पिता को छोड़ के, तो परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया था वो तन का बनाया था, तन का, उसके बदन से निकाला, उसको दिमाग से नहीं निकाला। मेरी बात सुनिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम आपको बता, जो हवा बनाई गई, और ये सब व्यभिचार से कनेक्टेड है, आप मेरे साथ रहिए हम उसी पर हैं। तो जो शुरुआत हुई हवा की, पहले तो हुआ ये कि आदम के लिए सारे जानवर आए। आप पढ़िएगा, ये शायद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी 20वां पद सुनिए। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षी और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु खाली नाम रखने से नहीं हो जाएगा, आगे जो महत्वपूर्ण बात है, नाम रख दिया, उनके चरित्र के अनुसार नाम रख दिया, जिराफ रख दिया, गेंडा रख दिया, कोबरा रख दिया, करैत रख दिया, बिच्छी रख दिया, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे। और यहां से हवा की कहानी शुरू हो गई। अभी तक हवा नहीं थी, बाबू लो कम हाई कम कीजिए और बाकी माइक बंद कर दीजिए। तो परमेश्वर ने पहले प्रभु को मालूम था क्या करना है, लेकिन सारे जानवर आए, नाम रखे, लेकिन उनमें से हजारों लाखों जानवर और कीट पतंगे जो भी है, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो इससे मेल खा सके, मेल खा सके। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, एक सहायक बनाते हैं, अब हम बनाएंगे अलग से। आगे पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी पसली निकाल कर उसकी संति मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उसकी पसली को जो उसने आदम के लिए निकाली थी इसी बना दिया, और उसे आदम के पास ले गया, और आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डी, अभी सुनते रहिए, ये पूरा देह का सवाल है, इट्स ऑल अबाउट बॉडी, शी इज वन ऑफ द बोन्स फ्रॉम माय बोन्स नॉट फ्रॉम माय माइंड, मेरा विचार नहीं है ये, अभी आप रहिए मेरे साथ, मेरी आंख नहीं है, मेरी सांस नहीं है, ये मेरी हड्डी है, और मांस निकाल करके मांस भर दिया, इट वॉज ऑल अबाउट द बॉडी। केवल ये अभी स्पिरिचुअल नहीं बात हो रही, ये फिजिकल बात हो रही, औरत को फिजिकली बनाया, स्पिरिचुअली अभी नहीं बनाया, सुनते रहिए। हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, फ्लैश है ये, सो इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकाली गई। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही मन होंगे। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? नहीं आप फिर से पढ़िए क्या लिखा है। मन कहा गया, हस्बैंड वाइफ का मन मिलना चाहिए, जी नहीं, तन मिलना चाहिए। परमेश्वर ने तन के लिए बनाया, और वे दोनों एक ही मन नहीं होंगे। ना 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 ना, यही तो प्रॉब्लम है, हमारी वाइफ नहीं सुनती है, हमारा बिल्कुल उससे वो नहीं कहता, नहीं खाएगा, बनाई नहीं गया उसको, उसको तन के लिए बनाया गया। मैं बहुत खुलासा अभी नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये पब्लिक वो है, बट शी वॉज मेड फॉर द फ्लैश ऑफ एडम, एक फ्लैश बनाया गया ताकि वो मेल खा सके, मेल, बाकी लोग का फ्लैश अलग फ्लैश था, अलग बदन था,
अलग देवता अलग मांस था, परमेश्वर कह रहे नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा, ना घोड़ा चलेगा ना कोई नहीं, नो आदम के लिए एक फ्लैश बनाना है तो उसी में से एक फ्लैश निकाल दिया, उसी में से एक मांस निकाल दिया और मांस भर दिया। अभी सुनते रहिए, चुपायल रहे। शैतान ने कहा इनको तन मिलाया है ना, हम इनके मेरी बात अभी मैं अपने विषय से नहीं हटाऊ, अभी मैं आऊंगा व्यभिचार पर। शैतान ने कहा इनके मन को मैं खराब करूंगा, क्योंकि तन को तो वो छू ही नहीं सकता, तन तो बना दिया परमेश्वर, तन को तो वो किसी तरीके से खराब कर ही नहीं सकता। दूसरे कहा मन पर हावी होते हैं। अब आइए तीसरा अध्याय उत्पत्ति में ही, पांचवा पद, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर को। वो अब मन खराब कर रहा है, तन नहीं खराब कर सकता, तन को छूने हुआ नहीं आया और स्त्री के उंगली को काट दिया, कचकच कचकच काट दिया, उसकी आंख को फोड़ दिया, नहीं नहीं उसे कहा भाई तन तो हम छू नहीं सकते, क्योंकि ये तन तो आदम का है, इसके मन को खराब करते हैं, इसके मन को छूते हैं। और परमेश्वर ने मन अलग से रखा था, भले और बुरे का ज्ञान जो था वो मन से कनेक्टेड था, वो तन से नहीं कनेक्टेड था। तो शैतान ने कहा इनके मन को, इसके मन को खराब करते, कहीं नहीं लिखा कि उसने कहते हवा को पकड़ के कूद दिया और उसको मार दिया और पीट दिया, उसको बहुत तकलीफ दी, नहीं, he left her body alone, बोला इसको छू नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर का बनाया हुआ है, परमेश्वर ने इनको आशीष दी है और उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। बोला इसके मन को खराब करे, बोला देखो ज्ञान मिलेगा तुमको, इसका ज्ञान मिलेगा, भले और बुरे का ज्ञान मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा खुला, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, लेकिन आपको मालूम है एक जब बच्चा एक टाइम आता, माँ बाप कितने माँ बाप है यहाँ पे, थोड़ा मेरे साथ रहिएगा, हाँ हाँ मेरे साथ है, आपके बच्चे भी है इसलिए मैं बहुत खुला, लेकिन जो माँ बाप है और आपके बच्चे हैं, आपको मालूम है कि वो एक एज आती है जब आप कहते हैं कि अब इसको भले बुरे का ज्ञान हो गया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, जब आप कहते हैं कि ना अब नहीं, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसको भले बुरे का ज्ञान हो गया है। एक टाइम होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, आप लड़के और लड़कियों दोनों को खेलने देते हैं, बट देयर इज अ टाइम जब आप कहते हैं नहीं अब सेपरेट होना पड़ेगा, क्योंकि भले और बुरे का ज्ञान हो गया। परमेश्वर ने उस वृक्ष को रखा था और शैतान ने उसी चीज को, मेरी बात थोड़ी देर मेरे साथ रही, बहुत गंभीर विषय पर मैं बात कर रहा हूं, शैतान ने उसी जो परमेश्वर ने रिजर्व रखा था लेटर ऑन के लिए, जो ज्ञान वो बाद में देना चाहता था, परमेश्वर का उसने बनाया था, भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ था, परमेश्वर का अभी नहीं खाओगे, अभी यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, उसके लिए तुमको परिपक्व होना पड़ेगा, अभी तुम बिल्कुल निर्मल बालक के समान, निर्मल बालक के समान, दिस इज नॉट योर टाइम, तुम पवित्र हो। और वो कोई है मेरे साथ, आप बोलेंगे वो बालक कैसे थे, आपको मालूम है दोनों के वस्त्र नहीं थे और दोनों लजाते नहीं थे। आपको मालूम है आपके बच्चे होते हैं छोटे होते, जब बच्चा पैदा होता है तो वो निर्वस्त्र तो पैदा होता है, तो क्या वो लजाता ना, कभी कभी आपने देखा छोटे नहीं, वैसे ही आदम और हवा थे, लेकिन एक टाइम आता है कि फिर आप उनको कपड़े पहनाने लगते, क्योंकि फिर वो भले और बुरे का ज्ञान जान जाते हैं। शैतान आपके मन को छूना चाहता है। अब आप कहिएगा इसका व्यभिचार से क्या संबंध है, अभी जो ये वर्ड हमने यूज किया, सब लोग बोलिए व्यभिचार, हाँ इसमें एक वर्ड आया है विचार, ये केवल व्य नहीं है विचार, ये विचार से ही तो शुरू होता है, क्योंकि शैतान ने आपके व्यय को नहीं खराब किया, आपके बदन को नहीं खराब किया, आपके विचार को खराब कर दिया, आपके मन को खराब। और जब आपका मन खराब हो गया तो तन खराब होने में देर नहीं लगी। फिर से सुनिए, मन खराब हो गया तो तन अपने आप खराब हो जाएगा, तन अगर खराब हो गया जरूरी नहीं है कि आपका मन खराब। कई लोगों के साथ फोर्सिबली चीजें हो जाती है, मन से तो नहीं होती, तन गंदा हो जाता है, तन में तकलीफ हो जाती है, लेकिन मन से वो चीज नहीं। लेकिन जब आपका मन, याद रखिएगा व्यभिचार का शारीरिक क्रिया से कोई लेना देना नहीं, अभी मैं प्रूफ कर रहा हूं, इसका पूरा संबंध इट्स योर माइंड, ये विचार है
जो आपको ये हुक्म तोड़ने पर मजबूर करता है, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि तो बाहर की ओर लगी रहती है, लेकिन परमेश्वर मन को जांचता है। परमेश्वर ने कहा मन नहीं गंदा करो, तन गंदा करो, तुम्हारा तन गंदा चलेगा। और अभी हमने क्या गाया, छुड़ाने पाप से सबको लिया उतारी, एक स्त्री को लेकर चले आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सर इसका मन बहुत गंदा है, क्योंकि वो तो बाहर का रूप देखो है मेरे साथ, आज नजर नहीं आ रहा अभी तो, क्योंकि वो तो बाहर का रूप देख रहे थे। उन्होंने कहा कि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। जी नहीं, विचार करते हुए नहीं पकड़ी गई, विचार तो तुम जान ही नहीं पाते, हो सकता फोर्सिबली ले गई, हो सकता जबरदस्ती ले गई, क्योंकि यीशु मसीह उसके मन को देख रहे थे, बाकी लोग जो खड़े थे वो तन को देख रहे थे। ना ये व्य हो सकता है, विचार नहीं हो सकता। और यीशु मसीह ने कहा बहुत ठीक, तुम लोग का भी मन हम देख लेते हैं। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। भैया पीछे सबको बैठा दीजिए, सबको बैठा दीजिए, कोई डिस्टर्बेंस हम नहीं चाहते। सब जस्ट सिट डाउन समवेयर। अनिल भाई बैठा दीजिए कहीं, सब लोग बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड। आप लोग नहीं देख पा रहे, हम देख रहे हैं, इसलिए हमको डिस्टर्बेंस हो रहा है। यीशु मसीह ने क्या 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 बोला वहां पर भीड़ से, क्या बोला कौन बताएगा? जो स्त्री को लेकर के आए थे वे विचार में पकड़ी गई है, ठीक है, तो पब्लिक से क्या बोला कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया है, यही ना बोला? ये बताइए उनके तन पर पाप लगा हुआ था क्या? किसी के तन पर पाप लगा हुआ था? नहीं, यीशु मसीह ने सीधे उनके मन से बात बोला, तन तो ठीक दिख रहा, तुम लोग तो नहीं पकड़े गए, तुम लोग तो क्या बढ़िया कमीज पहना, तुमने शर्ट पहनी है, तुमने सलवार कुर्ता पहना है, क्या बात है, तन तो तुम्हारा सही है, लेकिन यीशु कोई है मेरे साथ। याद रखिएगा, जब यीशु बोलता है ना तो सीधे मन से बोलता है, वो आपके मन से बातें करता है, वो आपके तन से नहीं, आपके मन से बातें करता है। और जब मन से बातें हो जाती है तो तन से भी बातें हो जाती है। ये दुनिया आपके तन से बातें करती है, आपके बदन से बातें करती है। डॉक्टर आपकी नस पकड़ता है, नाड़ी पकड़ता है आपका, और जितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो खाली तन देखती है, MRI तो फलाना ढिकाना, वो तन बोलती है यह खराब है वह खराब है। हमारा प्रभु कहता कुछ खराब नहीं, तुम्हारा मन खराब है या तुम्हारा मन सही है। और यीशु मसीह ने डायरेक्ट उनके मन से बात की, बोले जिसने पाप नहीं किया, सब देखने लगे हम तो ठीक दिखाई दे रहे हैं, है हम तो नया शर्ट पहने हैं, हम तो आज नहाए हैं, हम तो एकाएक उसका मन कहने लगा ना बेटा नहीं बेटी, मन तो गड़बड़ है तुम्हारा, और सबने पत्थर छोड़ दिया। हमारा प्रभु मन से बात करने वाला प्रभु, और ये व्यभिचार, ये जो सातवां हुक्म है, ये विचार के लिए है आपके। मैं बार बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं, डोंट थिंक दैट इट हैज गॉट एनीथिंग टू डू विथ योर बॉडी। बॉडी तो बात की बात है, वो तो उसका उसका परिणाम है, लेकिन स्टार्ट होता है ये आपके दिमाग से। बस एक बात कहकर खत्म करना चाहता हूं, एक नहीं दो तीन बात। पढ़िएगा जरा मत्ती की इंजील उसका पांचवा अध्याय, मत्ती की इंजील उसका पांचवा अध्याय, आपको कैसे मालूम, आपको कैसे मालूम, आप कैसे जानते हैं? हम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन मैंने अपनी दो मछली और पांच रोटी उसके हाथ में रख दी, और जब उसके हाथ से मिली तो मुझे मालूम हो गया, मुझे आ गया। पांचवा अध्याय मत्ती की इंजील उसका पांचवा अध्याय और उसकी कितनी आयत से पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए, तुम आप लोगों को तो मालूम है 27वीं आयत से। जी पढ़िए। तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, यीशु मसीह ने कहा तुम सुन चुके हो, लेकिन अब यीशु मसीह कुछ और कह रहे हैं जिस पर इनको चलना पड़ेगा। जी आगे पढ़िए कि व्यभिचार ना करना, तुम व्यभिचार, अभी तुम सुन चुके हो कि तुम व्यभिचार ना करना। यीशु मसीह अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? हमने जो अभी तक जो बात किया ना, अभी तक जो हमने बोला वो यीशु मसीह की बात पढ़ करके, मत्ती पांच हम पहले से घर पर पढ़ के आए थे, हमने उसको पूरा सजा लिया था, संवार लिया था, वही बात मैंने कहा, अब यीशु मसीह कह रहे हैं, सुनिए उसको। जी परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में, यहाँ पे मन में, कहाँ पे मन में, आप तो सोच रहे तन से व्यभिचार होता है, आगे यीशु मसीह कहा कि वो अपने मन में व्यभिचार कर, कुदृष्टि डाले तो वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। आप बस खत्म कीजिए,
अब आपको समझ में आया सातवां हुक्म, इट इज नॉट योर बॉडी। आपने मन में कुदृष्टि डाली, आप व्यभिचार कर चुके। हमको समझाया जाता है, अरे व्यभिचार इसके साथ नहीं उसके साथ नहीं, अरे पहले अपना विचार ठीक करो, क्योंकि ये विचार व्यभिचार करता है। बदन का व्यभिचार व्यभिचार नहीं है, पहले यहां से शुरू होता है। तुम बदन को छुओ भी नहीं, तुमने बदन का इस्तेमाल भी नहीं किया। यीशु मसीह ने यही ना कहा कि तुमने अगर किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो तुमने अपने मन में व्यभिचार इस डन। अरे हम तो नहीं जाते उनके पास, वो सब बेकार की बात। आज यीशु मसीह आपके मन से बात करना चाहते हैं। तीन बातें करके खत्म करें थे ना? मैंने कहा कि व्यभिचार मन से होता है, तन से नहीं होता। और शैतान आपके मन को कंट्रोल करना चाहता है तीन तरीके से। नंबर एक, सबसे पहले वो आपके मन में डालना चाहता है, डालना चाहता है। जैसे एक खेत है, खेत में बीज बोया जाता है फसल के लिए, तो सबसे पहले वो खराब बीज डाल देना चाहता है। तो खराब बीज जाएगा तो फसल कैसी आएगी? खराबी आएगी। तो सबसे पहले आपके बाद आज चर्च नहीं जाना, आज चर्च नहीं जाना, आज सैटरडे से वो आपको बोलने लगता है आज चर्च नहीं जाना, आज चर्च नहीं जाना, वो बोता है, वो बोता है। और आप भी एनालाइज करते हैं, हाँ यार वहां जाते हैं क्या फायदा, बैठे रहते हैं पता नहीं क्या क्या बोलते, कई बार समझे बहुत कुछ। पहले वो आपके मन से आपके मन को खराब करता है, उसमें जंगली दाने बोता है, और फिर जब उगता है तो जंगली चीजें उगती। संडे आपके लिए संडे नहीं रहता, परमेश्वर का कलाम उठते उठते साथ दुनिया के वो ऐसे बीज बो देता है कि खुदा का कलाम अच्छा वचन तो जा ही नहीं पाता, अच्छा बीज तो गिर ही नहीं पाता। जब अच्छा बीज बोया नहीं जाएगा तो अच्छी फसल उगेगी। गाइड कीजिए, खेत मेरा है, आप मेरे साथ रहिए थोड़ी देर, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे आप आइए। हमने अपने एक छोटा सा गार्डन लगा रखा है, एवरी डे उसके चारों ओर से गेट बना हुआ है, गाय ना घुसने पाए, कोई गोरू ना घुसने पाए, कोई बकरी, हम गार्ड करते हम, वो मेरा खेत है। जितने किसान है चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा, एक मिनट, कोई मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला। आपने एक ही पेड़ बोया भैया, मान लीजिए कि गमले ही में बोया, बकरी आके चल जाने दो, ये कहीं तो था, जाने काहे भाई काहे जाने दो, एक था तो खाने देंगे और हजार था तो नहीं खाने देंगे। अरे तुम्हारे लिए हजार होगा, मेरे लिए तो एक ही है, एक बेटा है, जाने दीजिए, बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, पी तो रहा है, मारपीट का एक ही बच्चा है, मान दो होते तो दो बार मारते थे, ये तो कम से कम एक के बार मारता है, ये कौन सी बात हुई भाई? वाइफ कह रहे एक ही हस्बैंड है, जाने दीजिए, अरे एक ही आप गुनाह कर लेते, यही ना है, मानी पास्ट होते तब क्या प्रॉब्लम, कितना होता, ये कौन सी बात हो भाई? अरे वाइफ है ना, एक ही वाइफ है, जो दिल में आए करे, जहां मन करे वहां, डज इट मेक एनी सेंस? मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चा है, आई विल टेक केयर ऑफ इट। मैं क्या बार बार बोलता हूं कि आपका बच्चा आपके लिए प्यारा, हमारे लिए नहीं है, इसलिए आप पकड़ करके हमारे पास आएगा दो चपाट लगा देगा, मतलब हम नहीं लगाएंगे लेकिन कोई तो लगा ही देगा। आपकी बकरी अपने पास बांध करके रखिए, वो आपके मन को खराब करना चाहता है। पहला, वो मन में डाल देता है, जब डाल नहीं पाता है क्योंकि आपने गार्ड किया है, तो कोशिश करता है कि जो उसमें उगा है उसको ऊपर से उखाड़ ले। आप है मेरे साथ? एक काम कीजिए, जब आपका पौधा बढ़ रहा है, जब आपका विश्वास बढ़ रहा है ना, बहुत अच्छे से गार्ड कीजिए, क्योंकि बहुत इजीली वो उखड़ सकता है। कोई बच्चा भी जाकर के खेलते खेलते उसको उखाड़ सकता है, और कई बार हमारे बच्चे उखाड़ देते हैं, हमारे कॉन्सेंट्रेशन को उखाड़ देते हैं, बच्चे तमाशा करने लगते हैं, बच्चे हल्ला करने लगते हैं, बच्चे हमको डिस्टर्ब कर देते हैं। वो आपका जो पौधा विश्वास का, आप इतने अच्छे से सुन रहे, इतना अच्छा ग्रहण कर रहे, अच्छा बीज जा रहा, अच्छा पौधा होगा, बच्चे ने उखाड़ दिया। बच्चा बच्ची एक तरफ रहेंगे, मेरे खेत को है मेरे साथ, मित्रों आपका बच्चा भी उखाड़ देगा ना तो दोबारा नहीं उगेगा। खेत ये नहीं कहेगा जाने दो इनके बच्चे ने उखाड़ दिया, चलो एक और उग जा रहे, अब कहां से उगेगा, उखाड़ दिया तो उखड़ गया। तो आपके मन में डालना चाहता है, जब नहीं डाल पाता तो क्या करता है, निकाल लेता, उखाड़ लेता, निकाल लेता है।
और जब नहीं डाल पाता है ना उखाड़ पाता है ना, तो जानते क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है पूरा। देखिए बीज जब डाल दिया जाता है उसके बाद हल नहीं चलाया जाता, उसके बीज बोने के बाद हल नहीं चढ़ाया जाता। एक बात बता दें आपको, जो मैं पौधे की बात कर रहा हूं, जब तक वो छोटा है ना उसकी देखभाल कीजिए, एक दिन जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा, उखाड़िए ना, यहां पर एक वो है खजूर का पेड़ है यहां पे, हाँ 1000 रुपया देंगे किसी को जो उसको उखाड़ के दिखा दे। नहीं हम 1000, अच्छा चलिए 2000 कर देते, ये कह रहे कि मेरी ओर से 1000 रुपया और दीजिए, 3000 हुआ, और कौन देगा, 1000। हाँ देखिए वो भी कह रहे कि हम भी 1000 है, पता नहीं है कि, लेकिन 1000 वो भी देंगे, 4000 हो गया, उखाड़ के दिखाइए हमको। नहीं नहीं आप उखाड़ के दिखाइए उसको, एक हाथ से आपको उखाड़ना है, हमारे विश्वास को डिगा करके दिखाइए आप। मैंने कहा हमारे विश्वास को, ब्रिजेश भाई के विश्वास को, कहा ज्ञान वो ज्ञान भाई उनके विश्वास, ये जो बच्चे हैं यहाँ पे इनके विश्वास को डिगा करके दिखाइए आप। शद्रक मेशक अभेदनगो के विश्वास को डिगा के दिखाइए, सिस्टर सोनिया के विश्वास को डिगा के दिखाइए। अब वो इतना मजबूत हो गया है ना कि आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, लहरें आएंगी, टक्कर लगेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने पौधे की देखभाल की है, हमने अपने विश्वास की देखभाल की है। अब कोई नहीं ले पाएगा। शद्रक मेशक अभेदनगो राजा के पास पहुंच गए, बोले राजा साहब गलत किए, जब लाए थे तभी मार दिए होते तो ठीक था, लेकिन आज ये पौधा बहुत बड़ा हो गया है, आप उखाड़ नहीं पाएंगे, आप इसका नुकसान नहीं कर पाएंगे, आपके सामने तो झुकेंगे नहीं, आग में जाओगे, चलेगा। अब हमारा विश्वास बहुत मजबूत हो गया है, लगा करके देखिए, इस खजूर के पेड़ में आग लगा करके देखिए, आपकी आग बुझ जाएगी, वो खजूर के पेड़ को कुछ नहीं होगा। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन जानते क्या है, उस पर चलान हो जाता है, आजकल चलान हो रहा, जानते किस चीज पर, कंफ्यूजन पर। चौराहे पर पहुंचे, मालूम नहीं कि दाहिने जाना कि बाएं जाना, अब पुलिस वाला दंड से चलान कर दिया, जानते हो काहे का चलान हुआ, चलान आपके कंफ्यूजन का हुआ, आपका संदेह, आपको मालूम ही नहीं, आप तय करके जब चले हैं तभी नहीं, आप सोचे चौराहे पर जाकर सोचेंगे तो सोचते रहिए, और जितनी देर सोचेंगे उतना चलान होगा आपका। शैतान आपके मन में संदेह, हाँ भाई पिछली बार तो चंगे हो गए थे, इस बार दुआ हुआ तो नहीं चंगे हुए, पिछली बार दुआ किए थे तो कर से निकल गए थे, इस बार ये संदेह जो है, वो खजूर का पेड़ बड़े होंगे तब देखेंगे खजूर बनेंगे कि अमरूद बनेंगे, जिस दिन वो जड़ पकड़ा उस दिन से उसको तय था कि वो खजूरी बनेगा, और वो फल खजूर का ही लेके आए। कैन आई एनकरेज यू, डोंट लेट योर फेथ डिस्मे, अपने विश्वास पर संदेह मत। हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हुए, केवल आंधी और तूफान आ गया तो हम नाश हो जाएंगे। वो आप पिछले भाग पर गद्दी पर सो रहा है, जीसस वॉज राइट देयर आपके साथ, उसने कहा कि मैं जगत के अंत में तुम्हारे साथ, केवल आंधी और तूफान, केवल लहरें टक्कर मारेंगे हम डूब जाएंगे, अरे हम जा रहे हैं किसी और को पुकारने, किसी और को, मैं बोले किसी को नहीं पुकारेंगे, पुकारेंगे सर आप ही को। अपने मन में संदेह मत कीजिएगा, यह व्यभिचार पैदा करेगा, क्योंकि व्यभिचार आपके मन से होता है। सातवां हुक्म, तू व्यभिचार ना करना, तू विचार गलत मत करना, मैं यूं कहूं, और अपने मन को पूरी तरीके से शुद्ध रखिए। एक ही तरह है, और वो है परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से। आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही वर्ड वॉज गॉड, ठीक है, परमेश्वर ही वचन था। तो जब वचन परमेश्वर है, मैं बार बार इसको कहता हूं, जब वचन परमेश्वर है तो जितना वचन होगा आप में उतना ही तो परमेश्वर भी होगा। प्रेज द लॉर्ड, मोर वर्ड यू हैव मोर गॉड यू हैव, जितना वचन उतना परमेश्वर आप, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अपनी आंखों को बंद कीजिए।